नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चले करते हैं बुलेटिन की शुरुआत सागर से। सागर के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आज 19,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव सरकार को मिले हैं, जिससे लगभग 30,000 रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअल माध्यम से MPIDC के सागर कार्यालय का भूमि पूजन और सागर संभाग के 6 इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेटेड सेंटर के साथ कोयम्बटूर कार्यालय का भी वर्चुअल शुभारंभ किया है। साथ ही 96 इकाइयों की स्थापना के लिए 240 एकड़ भूमि के आवंटन पत्र वितरित किए हैं। इस मौके पर सीएम ने कहा है कि प्रदेश में लगभग 1564 करोड़ के निवेश से 5,900 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। सागर में निवेशकों की ओर से करीब 19,000 करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं। सीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से डबल इंजन की सरकार राज्य में इजी ऑफ डूइंग बिजनेस और इजी ऑफ लिविंग से क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर प्रयासरत है। आज का दिन सागर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और हमने ये जो रीजनल कॉन्क्लेव जब से चालू की है, हर संभाग संभाग की कॉन्क्लेव और हर जगह हर स्थान पर संभाग की मीट जब करते हैं तो संभाग के सारे जिलों को कवर करते हुए पूरे प्रदेश में भी हमारे अपने सभी प्रकार के रोजगार परक सेक्टर में पर्याप्त रूप से ध्यान देते हुए हर जगह रोजगार की ध्वनि ध्यान में आए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। इस आयोजन के माध्यम से प्रदेश और बुंदेलखंड की औद्योगिक संभावना हेतु निवेशकों के सामने सभी प्रकार के सेक्टर का प्रस्तुतीकरण करने का मौका मिला। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब उद्योगपति और निवेशकों के बीच संवाद करते हैं तो बड़े पैमाने पर निवेशक अपना मंतव्य प्रकट करते हैं और मुझे इस बात का पूरा आनंद है। बड़े पैमाने पर आज हमारी ये बैठक का करना सार्थकता की दिशा में माना जा सकता है। स्थानीय MSME को बड़े उद्योगों के साथ साझेदारी करने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, जिससे न केवल हमारी अपनी औद्योगिक इकाइयां मजबूत होगी बल्कि कुटीर उद्योग ग्रामोद्योग के इकोसिस्टम को भी इससे जुड़ने का मौका मिल रहा है।